करनाल के घरोंडा के कम्युनिटी हॉल में कृषि कानून के विरोध में बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बैठक में बिहार के प्रभारी एवं कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं को उसके बारे में बताया। उसके बाद वीरेंद्र राठौर की अध्यक्षता में कार्यकर्ता टोल टैक्स बस्ताड़ा पर धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने के लिए एक रैली के तौर पर पहुंचे और किसानों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है। जब तक ये कानून निरस्त नहीं किए जाते और केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानती, तब तक हमारी कांग्रेस पार्टी हर तरह से किसानों का समर्थन करती रहेंगी। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार के प्रभारी एवं कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर ने कहा कि आज कांग्रेस के समर्थन के बाद यह आंदोलन और व्यापक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही कांग्रेस किसानों के साथ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार समय रहते तीनों कृषि के क्षेत्र में लाए गए काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो संघर्ष और कड़ा किया जाएगा। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। सरकारी नीति केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसान भाइयों के प्रति अपनाई। आप इतने दो दिन से देख रहे हैं जिस प्रकार से किलाबंदी की गई है दिल्ली में बैठे किसानों का, आप देख सकते हैं कि उसका जवाब देने के लिए पूरे इलाके के हरेक गांव से 36 बिरादरी के किसान भाई उमड़ करके सड़कों पर आए हैं और हजारों की तादाद में आज हमारे बस्ताड़ा टोल टैक्स में चल रहे धरने का समर्थन करने का काम किया है। मैं समझता हूँ आज के इस कार्यक्रम से और हमारे किसान भाइयों के समर्थन से प्रदेश और देश की सरकार को सीख लेनी चाहिए, उन्हें किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। नहीं तो अगर ये दमनकारी नीति समाप्त नहीं हुई उतने ज़्यादा जोर से इलाके में देहात से गांव से ये आंदोलन और ताकतवर तरीके से बढ़ने का। आज कितने गांव? देखिए पूरे इलाके में हरेक गांव के साथियां आए हैं, लगभग पूरे जिले से भी साथियां उपस्थित हैं। घरोंडा हल्के के 105 गांव के हरेक गांव के साथियां उपस्थित हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज से पहले जो आंदोलन हमारा चल रहा था उसको और ज़्यादा व्यापक बल जो है आज मिलने का काम हुआ है। हम तमाम कांग्रेस पार्टी के साथी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के नीचे हम लोगों ने पैदल मार्च अनाज मंडी से टोल टैक्स तक किया और इलाके को और प्रदेश की सरकार को ये संदेश देने का काम किया कि समय रहते वो चेते और किसानों के ऊपर जो जुल्म पूरे देश में चल रहा है उसको समाप्त करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.